मोबाइल में, घड़ी में या और किसी चीज़ में जिसमें हम टाइम देखते हैं। 11:11, 11:11, क्या आपको भी ऐसा टाइम बार बार दिख रहा है जब आप मोबाइल उठाते हैं तो अचानक जो टाइम होता है 11:11? क्या ये कोई नॉर्मल बात है, कोई साधारण बात है, या फिर इसके पीछे कोई कारण है या कोई बहुत बड़ा कारण है? 11:11 बार बार हमें क्यों दिखता है? और घड़ी में तो इतना नहीं पता चलता, जैसे मोबाइल की अगर हम बात करें, मोबाइल में आप देखिए यहाँ पर ये एनालॉग है तो इसमें पता लगता है बिल्कुल 11:11। तो वो क्या कारण है कि ऐसा टाइम हमें बार बार दिख रहा है? ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, बहुत कमेंट हमारे पास आए थे व्हाट्सएप पर, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आए थे कि पंडित जी अगर हमें 11:11 दिखाई पड़ रहा है तो इसका क्या कारण है? हम कोशिश करते हैं कि ये हमें ना दिखाई दे, लेकिन फिर भी ये 11:11 बार बार हमारे आगे आ जाता है। ये अभी कुछ टाइम से हो रहा है, पहले ऐसे मतलब कभी कभी कभार दिख गया, ऐसे रेगुलर में नहीं कभी दिखा, लेकिन अब तो पिछले कुछ टाइम से एक दिन में दो बार भी दिख जाता है, एक दिन छोड़कर फिर दिख जाता है, या कई बार तो रोज भी दिख जाता है। आखिर ये 1111 इसका क्या है? ये क्या इससे कोई डरने घबराने वाली बात तो नहीं है? क्या इसका कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है? तमाम तरह के प्रश्न हमारे पास आ रहे थे, बहुत सारे भक्तों ने बहुत घबराहट में भी हमसे पूछा था कि पंडित जी ऐसा क्यों हो रहा है और ये ऐसा 11:11 ये रेगुलर क्यों दिखाई पड़ते हैं? तो आज मैं आपको ये 11:11 का जो छुपा हुआ रहस्य है वो बताऊंगा कि अगर आपको भी ये टाइम दिख रहा है तो इसका रियल मतलब क्या है, इसका वास्तविक कारण क्या है, और अगर किसी को ये टाइम बार बार दिख रहा है तो उसकी लाइफ में इसके क्या असर होंगे, उसकी लाइफ में इसके क्या प्रभाव होंगे, अच्छा बुरा क्या फल है, वो आपको मैं आज बताऊंगा। ये एपिसोड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत यूज़फुल जानकारी उन लोगों के लिए है जो अक्सर अपनी लाइफ में हर चीज़ को बहुत तरीके से करते हैं, जो प्रत्येक कार्य को बड़ा सोच समझ कर करते हैं, और शायद ये एपिसोड जो आप देख रहे हैं ये हमारे YouTube के करियर का 5-6 साल में शायद पहली बार मैं इस तरह का कोई एपिसोड आपके लिए बना रहा हूँ जिसमें ये प्रश्न पहली बार भक्तों ने हमसे बहुत ज़्यादा किया है। तो एपिसोड बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और इसे बिल्कुल आपने कंप्लीट देखना है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युरमोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार, आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और
और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। 11:11 11:11 बार बार दिखाई देना हमारी लाइफ में आने वाला बहुत बड़ा बदलाव या हमारी लाइफ में बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगर जिस किसी को ये नंबर बार बार दिख रहा है तो उसे समझ जाना चाहिए उसकी लाइफ में बहुत ही जल्द चेंज आने वाला है। सबसे पहले तो उन सभी भक्तों को जिन्होंने हमसे बहुत परेशानी में बहुत घबराहट में पूछा था कि पंडित जी हमें बहुत डर लग रहा है, ऐसा नंबर हमें क्यों दिख रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आपको ये नंबर दिख रहा है, अगर आपको 11:11 का टाइम दिख रहा है, तो इसमें किसी तरह की कोई भी आपको घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। 11:11 आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएगा, ये तो निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको ये दिख रहा है तो आपकी लाइफ में चेंज तो आएगा, लेकिन वो चेंज अच्छा होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो शुभ बदलाव होगा जो आपकी लाइफ में आने वाला है। उसमें आपको किसी तरह की भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 11:11 बार बार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। जी हाँ, अगर आपको मोबाइल में या आपको घड़ी में बार बार रेंडमली 11:11 दिखाई दे जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत लंबे टाइम से आपकी कोई मनोकामना हो सकती है या आपका कोई ऐसा काम जो लंबे टाइम से अटका हुआ था या आपका कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट काम या अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या आपका अदर कोई काम है, आपका ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है या आपका पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम है, कोई भी जो आपका बड़े से बड़ा काम अगर अटका हुआ था तो समझ लीजिए अब उसके काम के बनने का टाइम आ गया है। बहुत जल्द आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 11:11 अगर आपको दिख रहा है बार बार तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में बहुत जल्द ढेर सारा पैसा आने वाला है। आपके पास चाहे कहीं से भी आए बहुत जल्द बहुत धन आने के योग बन रहे हैं। कहीं से आपको गुप्त धन भी आ सकता है, अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ था वो धन भी आपको वापस मिल सकता है, या अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया हुआ था आपका वो भी पैसा वापस आ सकता है, अगर आप का कहीं पर भी कुछ भी पैसा पैसे से रिलेटेड आपका जो भी काम था वो आपको बहुत जल्दी शुभ रिजल्ट देने वाला है। आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा शुभ परिवर्तन आने वाला है। तो अब बताइए, अगर इस रिलेटेड अब भी आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ, आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की।